गाय छोटे बच्चों को डायरिया होने पर एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि उफ्लक्सासीन, नाफ्लक्सासीन ये सब दी जाती हैं, लेकिन जब ये दवाएं काम नहीं की जा करती हैं तो हम उन्हें वाइसिन डीएस मेडिसिन देते हैं। वाइसिन डीएस मेडिसिन जिसमें कि कोलेस्ट्रीन सल्फेट नामक केमिकल है, ये एक ओरल सस्पेंशन है यानी कि मुंह से दिए जाने वाला सस्पेंशन है। वाइसिन डीएस जो कि विंस फार्मा कंपनी की मेडिसिन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाइसिन डीएस मेडिसिन का यूज़ कहाँ पर होता है। छोटे बच्चों में होने वाली डायरिया में, स्टमच इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, तो इन सब प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं में छोटे बच्चों को वाइसिन डीएस दिया जाता है जब बाकी के एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, जैसे ओफ्लक्सासीन, नारफ्लक्सासीन। इसके अलावा छोटे बच्चों में होने वाली निमोनिया में भी वाइसिन डीएस मेडिसिन को दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि डोज क्या है वाइसिन डीएस मेडिसिन की, यानी कि आपको अपने बच्चों को वाइसिन डीएस मेडिसिन देना कैसे है। आपको इस मेडिसिन को दिन में 3 बार देना है, 10 mg सुबह में, 10 mg दोपहर में, 10 mg शाम में खाना खिलाने के बाद। ये जो डोज बताई है ना मैंने मेडिसिन की, वो 2, 3, 4 साल के बच्चों के लिए है। प्रिकॉशन क्या है वाइसिन डीएस मेडिसिन की, यानी कि कब आपको अपने बच्चे को वाइसिन डीएस मेडिसिन नहीं देना है। अगर आपके बच्चे को लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को वाइसिन डीएस मेडिसिन नहीं दे सकते। ओरल इन्फेक्शन क्या है यानी कि काम कैसे करता है। पेट में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक के ये मेडिसिन काम करती है। अब साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है वाइसिन डीएस मेडिसिन की, डायरिया, वोमिटिंग, बार बार दस्त होना, जी मिचलाना, नोजिया, किडनी डैमेज, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं वाइसिन डीएस मेडिसिन के। किसी भी मेडिसिन को अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल फार्मासी वैशाली को सब्सक्राइब करें।